क्लास 9 फ्रॉम एमएल अग्रवाल चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 28। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके सामने है। ये हमने एक ट्रेन लिया हजरत निजामुद्दीन टू वीरांगना लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये ट्रेन कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं होती, तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एक किलोमीटर देखिए जीरो से स्टार्ट है एंड 400, मान लीजिए 400 3M, इसे 400 लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे 400, ये डिस्टेंस हुआ। अब इसकी टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, मान लीजिए 6 से ये स्टार्ट हुई शाम को और ये 11 में पहुँची, ठीक है, 11 मतलब मिड नाइट को, तो 6 5 11, ठीक है, कितने टाइम ली 5। सो 5 का हम अगर डिवाइड करें तो 5 8 जा 40, यानी उस ट्रेन की स्पीड कितनी हुई 1080 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर, चलिए ये तो क्लियर हुआ कि संपर्क क्रांति की स्पीड कितनी हुई, तमिलनाडु संपर्क क्रांति थी, 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है। अब ये बताइए उस स्पीड में अगर 80 या हम बोल दें कि 5 की स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, वो ड्राइवर मान लीजिए लेट हो गया तो अपनी स्पीड को तो थोड़ा सा स्पीड करेगा ना, तो 5 की स्पीड अगर इंक्रीज कर दे तो क्या 5 आवर्स लगेंगे, नहीं लगेंगे, वो कम से कम नहीं तो 5 1/2 या 4 आवर्स में लक्ष्मीबाई स्टेशन पहुंच जाएगी, यानी झांसी की बात हो रही है, 4 आवर्स में हो जाएगी। तो श्योर है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी जो चलती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी 5 आवर्स, ठीक है। इफ द ट्रेन हैज़ बीन 30 किलोमीटर फास्टर, हमने अभी बात किया ना, हमने 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड बढ़ाई, यहाँ पे वो 30 किलोमीटर पर आवर्स की, यानी 80 किलोमीटर की अगर संपर्क क्रांति चल रही है तो उसमें हम 30 का और इंक्रीज कर दें तो कितने की स्पीड हो गई 110, तो श्योर है कि वो 3 आवर्स में ही कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। और चेक भी कर सकते हैं 100 की स्पीड चलेगी तो कितने आवर्स में चलेगी, 4 आवर्स, क्योंकि 400 है तो 4 आवर्स में कंप्लीट कर लेगी। अब यदि उसकी स्पीड देखिए 2 आवर्स लेस देन यानी 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, ठीक है। इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर यानी उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, कितना 15, यानी 80 की स्पीड से अगर हम 15 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 65, तो श्योर है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, वो 5 आवर्स में कंप्लीट ना करके 6 आवर्स में करेगी, मान लीजिए इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि उसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है, लेंथ मतलब होता है डिस्टेंस, जैसे हमने 400 किलोमीटर आपको दिखाया दिल्ली से निजामुद्दीन से झांसी की डिस्टेंस, तो चलिए फाइंड करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, क्या लेट करते हैं, लेट अ ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वो ट्रेन की एग्जैक्ट स्पीड क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, और वो कितने टाइम में ड्यूरेशन पे वहाँ पहुँच जा रही है, तो वो हो जाएगा आपका शेड्यूल्ड टाइम, तो कितने आवर्स में, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको 5 आवर्स में पहुँचती है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट y आवर्स, ठीक है। अब आप तो जानते हैं कि अगर ट्रेन का क्वेश्चन आ जाए या फिर बस का आ जाए या स्पीड की बात है, तो ऐसा हो सकता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला ना लगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फार्मूला लगना कंपलसरी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ, तो डिस्टेंस को हम एक साइड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे क्या है एक्स की स्पीड है और टाइम क्या है आपका वाई, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अगर हमें स्पीड पता चल जाए और टाइम पता चल जाए तो उसका इंटू हम कर देंगे तो हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सर्च करते हैं, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट कंडीशन था 30 की स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसमें स्पीड कौन सा है हमारे पास एक्स में, ये है एक्स, तो एक्स में स्पीड बढ़ा दीजिए तो एक्स प्लस आपका 30 हो गया, चलिए स्पीड हो गया ना इंक्रीज, तो टाइम क्या हो जाता है 2 आवर्स लेस देन, तो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाती है ट्रेन, तो
तो टाइम आपका क्या है यहाँ पे वाई, तो वाई में आप क्या करेंगे टू आवर्स माइनस कर देंगे। और वैसे भी आप जानते हैं कि टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टाइम इक्वल टू वन अपान वर्क होता है, ये फार्मूला है, या वर्क इक्वल टू वन अपान टाइम। सो इक्वल टू ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है भाई, ये किसका फार्मूला है, डिस्टेंस का है ना, और डिस्टेंस का वैल्यू क्या है एक्स वाई। आप चाहें तो यहाँ डिस्टेंस लिख सकते हैं, फिर आपको यही पे करना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए इंटू करते हैं एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स। अगर आप सोच रहे हैं सर फिर से आप क्यों लिख दिए हैं, तो भाई ये डिस्टेंस का फार्मूला है ना, तो डिस्टेंस यहाँ पे आप डी लिख लीजिए, फिर तो लिखना ही पड़ेगा ना, डी की वैल्यू तो एक्स वाई है, तभी तो सॉल्व होगा। एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स, थर्टी प्लस वाई थर्टी वाई, एंड थर्टी टू जस सिक्सटी माइनस सिक्सटी इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका रेडी हुआ माइनस टू एक्स प्लस थर्टी वाई इक्वल टू सिक्सटी, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी। चलिए अब सेकंड की ओर फोकस करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी नज़दीक रहेगा। वंस अगेन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में बोला गया कि इफ द ट्रेन वर स्लोवर इज 15 किलोमीटर, तो स्पीड कौन सा एक्स, इस बार एक्स में आप माइनस कर दीजिए 15 का, कर दिए, एंड टाइम आपका कितना लग रहा है टू आवर्स मोर देन, श्योर है कि स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना पहुँचने में, तो वहाँ पे आपका टाइम क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो इस बार आपका टाइम टू मोर देन, तो वाई प्लस टू, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा वही एक्स वाई, ये किसका फार्मूला है डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये स्पीड हो गया ये टाइम डिस्टेंस एक्स वाई, सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू टू टू एक्स, फिफ्टीन इंटू वाई माइनस फिफ्टीन वाई, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी माइनस थर्टी इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपका इक्वेशन रेडी हुआ टू एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इक्वल टू थर्टी, ट्रांसफ़र करेंगे तो थर्टी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। ये सेकेंड को हम यहाँ पे ले आते हैं, सो टू एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इक्वल टू थर्टी, इक्वेशन सेकेंड। चलिए एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो ये ऑलरेडी आपका कैंसिल है क्योंकि 2x के पास यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस 15y, यहाँ भी प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा तो 60 30 90, सो y इक्वल टू 90 अपॉन 15, सो 15 इक्वल टू 6, 15 6 या 90, y की वैल्यू हो गई 6। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जैसे फर्स्ट पे ही कर देते हैं, फर्स्ट पे तो यहाँ पे माइनस टू एक्स है, एक्स की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, प्लस थर्टी वाई, तो थर्टी इंटू सिक्स इक्वल टू सिक्सटी, सो माइनस टू एक्स थर्टी सिक्स या वन एट्टी, वन एट्टी को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस वन एट्टी, सो माइनस टू एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन ट्वेंटी, क्या जाएगा 120, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 120 अपॉन टू, टू सिक्स या 12, यानी ट्रेन की स्पीड एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर है। देयरफोर द डिस्टेंस ऑफ जर्नी, अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का हमने आपको फार्मूला क्या बताया था एक्स इंटू वाई, सो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 60 एंड वाई की वैल्यू क्या है 6, तो एक्स वाई था सो 60 इंटू आपका 6, 6 6 या 36, यानी 360 किलोमीटर। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि 400 था, चलिए ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ बोट टेक टू आवर्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, चलिए स्ट्रीम के बारे में आपको बताते हैं। मान लीजिए ये सी है, समुद्र है, ये मान लीजिए एक सिप है, ठीक है, ये क्या कर लिया हमने, एक सिप बना लिया। अब देखिए अगर नदी का बहाव जैसे हमने अभी डायरेक्शन बनाया ऐसे ऐसे, तो ये बोट है, मान लीजिए बोट उसी डायरेक्शन पे जा रही है, तो इसकी स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर, और जो ये वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन पे, इसकी स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है सपोज़,
तो भाई नाव को फायदा होगा ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, हवा जिस रुख में है उसी साइड अगर आप बॉल को हिट किए तो हवा थोड़ा सा एयर क्या करेगी उसको उसी डायरेक्शन पर लेके जो आउट होने वाला कंडीशन रहेगा उसमें वो सिक्स हो जाता है। तो वही बात है कि जब नाव उसी डायरेक्शन पर जाएगी जिधर वाटर का फ्लो है, तो जब वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और उसके अपोजिट अगर वर्क करे तो इसमें नहीं दिया है आपके क्वेश्चन में, उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, यानी आपके स्पीड के विपरीत जो वर्क करे, अपोजिट वर्क करे, उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, और जो आपके डायरेक्शन की ओर ही चले उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो इस नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी बोट की, 30 किलोमीटर, क्योंकि 20 तो है, 10 और ऐड हो जाएगी वाटर के साथ, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो आप समझ में आ गया होगा इसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अब वैसे भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे, अप मतलब ऊपर। तो भाई जो आप जैसे आप कोई वस्तु नीचे की ओर जा रही है ऑब्जेक्ट, और उसे और कोई हेल्प करे, ग्रेविटी हेल्प करती है, तो ग्रेविटी उसे और नीचे की ओर लेके जाती है, तो उसी को हेल्प कर रही है ना, तो मतलब उसी के डायरेक्शन पे जा रही है, तो उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अप मतलब जो हमारे विपरीत जाए उसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो चलिए आपको समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, बोट टेक 2 आवर्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इफ़ रिटर्न। अब रिटर्न होगी तो उसको देखिए 2 आवर्स के प्लेस पे कितना लग रहा है, 4 आवर्स। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड से भी तो लड़ना है ना। मान लीजिए नाव यहाँ पहुँच गई बोट, अब इसको रिटर्न होना है तो 10 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड तो नाव वाटर तो इधर फ्लो हो रही है ना, तो इधर आएगी तो उसे इस स्पीड से लड़ना भी तो है ना, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए उसको लौटने में 4 आवर्स लग रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब जब वाटर फ्लो ना हो, मतलब एकदम शांत रहे, तो वहाँ पे बोट की स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब वाटर फ्लो ना करे, एकदम शांत रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, जितना बोट जितने की स्पीड चलेगी उतने में उसको चलना पड़ेगा। तो लेट द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर्स। अब लेते हैं बोट का, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम लिख सकते हैं या बोट लिख सकते हैं, ठीक है। नो, यहाँ पे हम करते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट स्टिल वाटर, जब बोट स्टिल वाटर पे वर्क करे तो उसकी स्पीड कितनी होती है, एक्स किलोमीटर, जैसे हमने बोला कि 20 किलोमीटर पर आवर्स। ये तो बोट की स्पीड हुई ना, कब, जब वाटर शांत रहे, एकदम शांत रहे, और 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही वाटर फ्लो, तो एक तो बेनिफिट होगा या तो फिर लॉस होगा उसकी स्पीड में। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर्स। अब चलिए करते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन पे क्या आएगी। डाउन स्ट्रीम में हमने क्या बताया कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाता है, 30, यानी हमारे पास दोनों एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स। अब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब उसके अपोजिट, एक्स की स्पीड कौन चल रही है, बोट, अब उसके विपरीत कौन है, वाटर की स्पीड, जब लौट के आएगी रिटर्न होगी तो वहाँ पे आपका कंडीशन माइनस होगा। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाते हैं और सामने से अगर बहुत तेज से हवाएं चलें तो आपकी स्पीड कम हो जाती है कि नहीं होती बाइक की, वही तो है यहाँ पे। सो ये हो गया आपका। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, अभी हमने ट्रेन में पढ़ा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही था, उसी के अकॉर्डिंग तो करना है। तो स्पीड हमारे पास यहाँ क्या है, तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन पे। अब बोट टेक 2 आवर्स, ये तो टाइम हुआ, टू गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम हो रही है 40 किलोमीटर के लिए, तो हम यहाँ पे करेंगे 40 हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हुआ ना जो फार्मूला है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या हुआ, एक्स की स्पीड थी, तो डाउन स्ट्रीम की ओर है, देखिए डाउन द स्ट्रीम, तो प्लस होगा, ये कंडीशन लगेगा, एक्स प्लस वाई। और टाइम कितना हो रहा है, टाइम आपको दिया है 2 आवर्स, तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, सिंपल आपका इक्वेशन बन गया, तो ये 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x प्लस वाई इंटू मत करिएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 20 हो गया। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी, x प्लस वाई इक्वल टू 20, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट हुआ।
चलिए सेकंड यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। फार्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, 40 किलोमीटर है, कोई चेंज तो है नहीं। स्पीड जब लौट के आएगी तो डाउन स्ट्रीम ये वाला वर्क करेगा एक्स माइनस वाई। टाइम कितना लग रहा है भाई लौटने में, 4 आवर्स, तो 4 यहाँ पे कर दीजिए, इस बार 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वाई अब 4 यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन, तो चलिए सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे कर देते हैं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ये आपका सेकंड इक्वेशन रेडी। आई थिंक आपको कोई भी टफ ना लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 20 प्लस 10 30, सो x की वैल्यू 30 अपॉन 2 15 जा, सो x की वैल्यू 15। पुटिंग करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सभी तो इक्वेशन इजी है, सेकेंड पे कर देते हैं। सेकेंड क्या है, x माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे 15 माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई को ट्रांसफ़र कर लीजिए क्योंकि माइनस है उसके पास, माइनस 10, तो 15 माइनस 10 5। चलिए आपका ये सभी कुछ क्लियर हो गया। बोट की स्पीड कितनी थी, 15, और वाई की स्पीड, वाई क्या है फिर से चेक कर लेते हैं, स्ट्रीम की स्पीड, ये आपका आंसर हुआ। सो आपका आंसर, देयर फोर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 15 किलोमीटर, यानी बोट की स्पीड कितनी थी, 15 की स्पीड, और जो स्ट्रीम, अब आप सोच रहे हैं सर स्ट्रीम चेंज नहीं हो सकता क्या, नहीं भाई चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर फ्लो होगा, तो अगर 5 की स्पीड से फ्लो हो रहा है तो 5 की स्पीड से होगा ना, चाहे आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएं, चाहे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, सेम क्वेश्चन है, बस आपको कुछ वर्ड आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है। अ बोट सेल अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर, देखिए बोट को कितना ट्रेवल करना है, 44 इन 4 आवर्स, ठीक है, इन 4 आवर्स विद द करेंट, मतलब जो स्पीड में चल रही है, ठीक है, समझिएगा कितना ट्रेवल करना है 4 आवर्स में, 44 किलोमीटर। इफ टेक 4 आवर्स 48 मिनट्स, तो देखिए 4 आवर्स में कंप्लीट करना था और कितना यहाँ पे टेक कर लिया गया, 4 आवर्स 48 ज़्यादा हुआ ना, तो लॉन्गर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करेंट, करेंट मतलब होता है स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पे। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड द करेंट, तो करेंट मतलब स्ट्रीम की बात हो रही है, तो चलिए हमें तो वही करना है और उसी वे पे करना ही है। तो चलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, सेम क्वेश्चन जो बैक में हमने पढ़ा, एक्स किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड ऑफ करेंट, आपको पसंद नहीं है अगर करेंट लिखना तो यहाँ पे आप स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्ट्रीम वाई किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ करेंट, अगर इस बोट की स्पीड उसी करेंट डायरेक्शन यानी उसी स्ट्रीम के डायरेक्शन पे है तो आपका क्या हो जाता था, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स, याद होगा आपको लास्ट क्वेश्चन। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन, याद रखिएगा अपोजिट यानी ये अप स्ट्रीम की बात है, किसकी बात है, अप स्ट्रीम की बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स। तो हम क्या फाइंड करते थे, डिस्टेंस, याद करिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन पे क्या दिया है, अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस 44 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो देखिए डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर, ये हो गया, और आपका स्पीड कितना है, यहाँ पे स्पीड हमारे पास तो नहीं है लेकिन उसी डायरेक्शन पे, देखिए विथ द करेंट है ना, विथ द करेंट मतलब उसी डायरेक्शन पे, तो आपका स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, बस सिंपल 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी, ये 11 जा, यानी आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। चलिए सेकंड में यहीं पे फोकस करते हैं, ठीक है, सेकंड कंडीशन, चलिए सेकंड कंडीशन में यही आपका फार्मूला आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो देखिए यहां पे दिया है इट टेक्स 4 आवर्स 48 मिनट्स, ठीक है, कब हो रहा है, लॉन्गर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करेंट, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द करेंट मतलब
अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन की बात है। तो चलिए हम तो यही फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है भाई 44 है, वो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहेगा। स्पीड कितना है, अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो भाई तो एक्स माइनस वाई। टाइम कितना ले रहे हैं, 4 आवर्स 48 मिनट्स। तो भैया 4 आवर्स तो 4 आवर्स है लेकिन 48 जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ पे दिया है इट टेक्स 4 आवर्स 48 मिनट लॉन्गर, मतलब ये और एक्स्ट्रा ले रहा है 4 आवर्स से भी ज़्यादा, यानी 4 4 8 हो जाएगा और 48 मिनट्स, मतलब 4 घंटे में, देखिए 4 4 आवर्स में इधर जा रही है बोट, ठीक है, जब लौट रही है तो 4 आवर्स तो ले रही है और साथ में 4 आवर्स 48 मिनट भी ले रही है। अरे मतलब ये दोनों, यानी 8 आवर्स 48 मिनट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 प्लस 4, ये 4 हो गया एक्स्ट्रा जो फोर्स तो लेगी, अब 4 आवर्स 48 मिनट, तो 48 मिनट को हम 48/60 कर सकते हैं, तो ये भी आपका आवर्स में चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो 44 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं तो 12 4 जा 48 12 5 जा 60, तो इंटू 4 प्लस 5 4 जा 20 एंड 24 अपॉन 5। सो यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं 5 और 5 4 जा 20 प्लस 24 एक्स माइनस वाई, इंटू बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि हमें तो इक्वेशन रेडी करना है, और एक्स माइनस वाई को स्टॉप कर दीजिए। अब 20 और 24 कितना होगा 48, 48 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, डाउन साइड आ जाएगा और ये 5 न्यूमरेटर पे हो जाएगा, क्लियर, सॉरी 48 कर दिए, ये कैंसिल हो गया। सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या सेफ हुआ 5, ये हुआ ना सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे ले आइए, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी, कैंसिल एक्स एक्स 2x 11 5 16, सो एक्स इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, सो एक्स की वैल्यू 8 बाय पुटिंग वैल्यू, आप x इन इक्वेशन कोई भी इक्वेशन करें, सेकेंड सबसे इजी दिख रहा है सेकेंड पे करते हैं, x वैल्यू 8 कर दीजिए, 8 माइनस y इक्वल टू 5, y को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 8 माइनस 5 5 3, चलिए ये आपका आंसर आ गया। देयरफोर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर्स, जो आपका ये आंसर, एंड स्पीड ऑफ करेंट या स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका आंसर हुआ। ये अर्थ में कोई भी स्ट्रीम से नहीं बच सकता, अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ये बाइक से ड्राइव कर रहे हैं आप बैठ के, तो हवा आपके अगेंस्ट आके आपकी स्पीड को कंट्रोल क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन से आके आपकी स्पीड को ब्रेक करेगी। अगर बोट चल रही है वाटर पे तो भी उसकी स्पीड को वाटर फ्लो करेगी और उसकी स्पीड को रोकेगी, तो भाई एरोप्लेन कैसे बच सकता है, एरोप्लेन भी आ जाए तो एरोप्लेन जब आसमान में चलती है जिसकी हाइट कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की हाइट्स पे उड़ती है, तो वहाँ तो और एयर है, उसको भी नहीं जाने देगी। तो ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ शब्द बदले हैं, सेम वही रहेगा। एन एरोप्लेन फ्लाइज 1680 किलोमीटर विथ अ हेड विंड इन 3.5 आवर्स, ठीक है, अगर उसी के डायरेक्शन पे चल रही है तो इतने आवर्स में कंप्लीट कर लेती है ऑन द रिटर्न ट्रिप। अब जब एरोप्लेन लौट के आती है उसी डायरेक्शन, देखिए ये एरोप्लेन है, जब इस डायरेक्शन पे जाती है कितना 1680 किलोमीटर, ठीक है, इतना दूर ट्रेवल करती है, ठीक है, 1680 को ले लेते हैं मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली गया तो इसमें जो एयर का फ्लो है उसी डायरेक्शन पे था, तो कितना टाइम ट्रेवल हुआ, टाइम इंटरवल 3.5 आवर्स। जब रिटर्न ट्रिप हुई तो सेम विंड ब्लोइंग द प्लेन टेक 3 आवर्स, तो देखिए सॉरी ये आपका अप स्ट्रीम हुआ, जब इस डायरेक्शन में गया तो हवा के विपरीत साइड गया, और जब रिटर्न हो क्या है तो देखिए 3 आवर्स में ही वो कंप्लीट कर लिया, तो ये डाउन स्ट्रीम हुआ ना। देखिए जहाँ पे आपका टाइम कम लगे तो समझ जाइए वो डाउन स्ट्रीम है, जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगे वो आपका अप स्ट्रीम हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट
स्पीड ऑफ प्लेन, लेकिन यहाँ पे स्टिल विंड मत करिएगा क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ स्पीड ऑफ प्लेन कर लीजिएगा x किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि वाटर में पॉसिबल है, एयर में कभी पॉसिबल नहीं होगा। एंड स्पीड ऑफ विंड इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर्स, तो जब सेम डायरेक्शन पे चलेगी द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन डायरेक्शन ऑफ विंड तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन पे जाएगी। तो हमने आपको पहले लास्ट में अभी थ्री क्वेश्चंस कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। एंड अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड यानी हवा का रुख जब अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो उस कंडीशन पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस कितना था देखिए, 1680 कर दीजिए। स्पीड कितना था फर्स्ट में नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, माइनस। फर्स्ट में आपका ये अप्लाई होगा, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप टाइम देख लीजिए, टाइम जिसमें ज़्यादा होगा वो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम ही समझिए, ठीक है, जैसा आपको समझ में आती है, अप विंड समझ लीजिए, ठीक है। और अगर टाइम जब कम लगे तो डाउन हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एक्स माइनस वाई, और टाइम है आपका 3.5। चलिए सॉल्व करते हैं। सो एक्स माइनस वाई को स्टॉप कर दीजिए और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1680 3.5 यहाँ पे आएगा, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो इनटू कहाँ हो जाएगा, ऊपर, ठीक है। चलिए 5 2 10 5 7 30 5, 7 से शायद देखते हैं कैंसिल हो जाए, 7 2 14 टू रिमाइंडर, 7 4 28 0, 24 2 48। चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपका रेडी। अब सेकंड पे देखते हैं, यहीं पे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा 1680, स्पीड इस बार हमारे पास तो स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि 3 आवर्स ले रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन पे है, तो x प्लस वाई कर लीजिए और टाइम आपका 3, x प्लस वाई को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 5 15 1 रिमाइंडर, 3 6 18, तो आपका सेकंड इक्वेशन रेडी। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, 560 को इधर कर लीजिए। चलिए एलिमिनेशन थोड़ा सा हट के भी करना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, x 2x इक्वल टू 0 8 6 14 1 रिमाइंडर, 5 4 9 1 10, सो एक्स इक्वल टू 10 40 अपॉन 2, 2 5 10 2 2 4, सो एक्स की वैल्यू 520, यानी ये हुआ एरोप्लेन की स्पीड। और याद रखिएगा, एरोप्लेन की स्पीड आप गूगल ही सर्च भी कर सकते हैं, 700 to 800 किलोमीटर पर आवर्स होती है, जो हमारे इंडिया पे वर्क करती है उसकी स्पीड इतनी होती है। चलिए पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 560, x की वैल्यू 520 प्लस वाई इक्वल टू 560, सो वाई इक्वल टू 560 माइनस 520, सो वाई की वैल्यू 40, तो ये हुआ आपका विंड की स्पीड। देयरफॉर द स्पीड ऑफ एरोप्लेन 520 किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ विंड 40 किलोमीटर पर आवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, ठीक है, मान लीजिए आपके स्कूल में एक रेजिडेंटल स्कूल अगर आपका होगा तो वहाँ पे मेस जरूर होगा, वहाँ बच्चे स्टे होके अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड, तो वहाँ जो मेस में खाना खाने जाते हैं तो एक फिक्स चार्ज होता है। मान लीजिए आप इंट्री किए तो आपको पहले बता दिया गया कि आपका 100 रुपीज़ चार्ज होगा आपके मेस में अटेंड होने का, ये आपका फिक्स चार्ज हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे,
एंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे, और डिपेंड किसका करता है, किसके ऊपर करता है, जितने दिन आप खाना खाएंगे वहाँ, ठीक है, जितने दिन आप टिफिन वहाँ यूज़ करेंगे। वन हैज़ टेकन फूड इफ द मेस वैन, भावना नाम की एक लड़की है जो टेक्स फूड 20 डेज, यानी 20 डेज वहाँ पर क्या करती है, खाना खाती है, कितने डेज, 20 डेज, तो उसे कितना पेट करना पड़ता है, 2600 रुपीज़, ठीक है। वेर एज सेम, उसी प्रकार वैन दिव्या टेक्स फूड फॉर 26 डेज, देखिए भावना ने 20 डेज यूज़ किया और दिव्या ने 26 डेज, तो उसे श्योर है ज़्यादा देना पड़ेगा, 30-20 एज हॉस्टल चार्ज, तो हमें फाइंड करना है कि वहाँ का फिक्स चार्ज क्या था और पर डे का कितना रुपीज़ चार्ज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमें फाइंड जो करना है हम उसी को लेट कर लेते हैं, तो लेट फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज़, हमें तो यही फाइंड करना है भाई, वहाँ जाने का कितना फीस है, जैसे नहीं बोलते एंट्री फीस कितना होगा वहाँ जाने का, जैसे मैच खेलने आप जाते हैं तो एंट्री फीस कितना है, तो वही है फिक्स चार्ज। एंड एडिशनल चार्ज फॉर पर डे, एडिशनल चार्ज फॉर पर डे, भाई आप कित पर डे के हिसाब से कितने रुपीज़ देंगे, तो रुपीज़ हम कर लेते हैं वाई अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब आते हैं भावना पे, भावना 20 डेज यूज़ की, तो भाई ये बताइए 20 डेज यूज़ की, तो 20 डेज मान लीजिए कि भावना 20 डेज यूज़ की, सपोज़ एक दिन का चार्ज है 10 रुपीज़, हम अपने से लेट करते हैं 10 रुपीज़, तो कितना रुपये हुआ, 200, तो 200 तो खाने का हुआ ना, अब फिक्स चार्ज कहाँ है, अब मान लीजिए फिक्स चार्ज बोल दिया कि आपको वहाँ खाना खाने का चार्ज, बैठने का, जैसे आप बैठ के खाएंगे तो उसका चार्ज 50 रुपीज़ है, तो उसको कितना देना पड़ेगा भावना को, 250, तो ऐड कर रहे हैं ना हम, तो चलिए वही करेंगे, तो ये हुआ आपका फिक्स चार्ज, पहले तो फिक्स चार्ज हुआ प्लस एडिशनल चार्ज, उसने 20 डेज खाया और हमने यहाँ पर लेट क्या किया 10, तो हम लेट क्या यहाँ किए हैं वाई रुपीज़, पर डे के हिसाब से वाई रुपीज़, तभी ना 20 × 10 = 200 हुआ, तो यहाँ पर 20 × y कर लेते हैं, तो यहाँ पे उनको देना पड़ा 2600। अब आते हैं भाव दिव्या पे, दिव्या 26 डेज यूज़ की, तो एक्स प्लस 26y इक्वल टू 3020 रुपीज़। सिंपल, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई, सिंपल। अब यहाँ पे आप साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है, इससे ज़्यादा तो कोई इजी हो ही नहीं सकता था, तो ये आपका ग्रेटेस्ट है 26, तो आपका आ जाएगा -6y इक्वल टू, यहाँ पे ये भी आपका ग्रेटेस्ट है तो माइनस, माइनस तो कंपलसरी है, ये आपका 420 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू 460/6 = 42, सो y इक्वल टू 70 रुपीज़। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि वन डे का चार्ज कितना हुआ, 70। अभी हम चेक भी करेंगे क्या सही है रॉन्ग है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो सबसे इजी हो, कोई इजी नहीं है, चलिए फर्स्ट पे ही करते हैं, x प्लस 20 × 70 2600, सो x इक्वल टू 2600, 7 × 2 = 14, 1400 को इधर कर दीजिए, सो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 1200। अरे ये तो बहुत इतना ज़्यादा रुपीस फिक्स चार्ज है मेस में खाने का, देखिए तो फिक्स चार्ज x का 1200, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो चलिए पहले इसे शो कर दें, देयरफोर फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीस 1200 एंड एडिशनल चार्ज पर डे चार्ज इक्वल टू 70 रुपीज़। चलिए तो चेक करते हैं कैसे, भावना ने 20 डेज किया और एक्स चार्ज, तो एक्स चार्ज आपका 1200 है, ये चेक हो रहा है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, चेक, फिक्स चार्ज 1200 रुपीज़ प्लस 20 डेज यूज़ की भावना ने, तो 20 × 70, 7 × 2 = 14, 1400 ऐड करेंगे तो 1214 आपका 26, क्या 26 रुपीज़ उन्होंने पेट किया, हाँ किया, तो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक यू।